गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने जा रही है हमारी पुट्टो के घर पे। हम आए हुए हैं हैदराबाद, अभी हम पुट्टो के घर पे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पहला व्लॉग बनाएंगे, उनके जो पोल्ट्री फार्म है ऊपर वो भी दिखाएंगे आपको। तो एक और था हमारा दादा भाई, इधर आओ भाई, क्या कहाँ घूम रहे हो, इधर दिखाओ अपनी शक्ल। तो ये हम आप जानते हैं, पहले भी अभी वीडियो आई थी हमारी बारिश के साथ, बारिश की रोस्टिंग पे। तो ये हमारे दादा भाई, चाचू का बेटा है, मेरा बड़ा भाई है। और अभी हम जाएंगे आपको ऊपर दिखाएंगे कि पोल्ट्री फार्म कैसा है, इन्होंने मेंटेन किया है। तो आपको एक इंट्रोडक्शन के भी करा देते हैं। हेलो इंट्रोडक्शन करो। हेलो गाइस, आप बता दें। तो भाई इसका अलग से इंट्रोडक्शन करते हैं। गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महा है और आज आप ये ब्लॉग देख रहे हैं बकार दका का। सॉरी, बकार दका नहीं है, मैं हूँ आपकी मेजबान महा, जो कि मैं आपके लिए बहुत स्पेशल व्लॉग लेकर आई हूँ। और बकार जो है मेरे मामू का बेटा है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। दूसरा ये कि आज वो मेरे घर पर आए हैं हाउस में। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं, छत पर जा रहे हैं हम लोग। तो इन्होंने बड़ा अच्छा ताड़ा बनाया हुआ है, दिखाते हैं। ये आ गए हैं हम छत पर, सीढ़ियों से चल रहे हैं हम लोग। वो सीढ़ियाँ लंबी सीढ़ियाँ नहीं है। तो ये हमारे पीछे देखें, हमारी पप्पो भी आ गई हैं। पप्पो इधर तो आओ, ये हमारी पप्पो हैं। तो अपने बारे में कुछ बताएंगी आप? जी अपने बारे में क्या बताऊं? आप इतनी क्यूट हो माशाल्लाह, आप तो वो लग रही हो क्या बोलते हैं, डोरेमोन। थैंक यू। डोरेमोन, लेकिन लाल डोरेमोन आप। तो अभी आपको मैं मुर्गियाँ दिखाता हूँ, सबके नाम बताता हूँ, मुर्गी का नाम क्या है। इनका पोल्ट्री फार्म बड़ा अच्छा पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ, आप देख रहे हैं कि पूरी फैमिली है। तो भाई इसका नाम क्या है? शपाटा बच्चा लग रहा है। तो ये पानी क्यों मार रही हो पप्पो, मेरे को पानी फेंक रही हो? ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह, ये मुर्गियों को पानी मार रहा है, मारा जा रहा है, लगे सॉरी गर्मी ना लगे, जरासीम ना हो, जरासीम ना हो। जरा दिखाइए शक्ल जरा। वाह, मैं डेली इनको निलाती हूँ ताकि ये फ्रेश रहे। ये देखो ठंडक रहे, गर्मी का मजा ले रहे हैं ये लोग, पानी से नहा रहे हैं। और ये सबसे अच्छी मुर्गी कौन सी लगती है आपको? जी व्हाइट वाली, ये वाली। ये वाली। इसका नाम क्या है? नाम तो रखा होगा आपने। नाम मेरा लेला, लेला लेला लेला। और लेला नाम है, और उसमें शगुफ्ता कौन है? शगुफ्ता दूसरी वाली है। अच्छा भाई रजा भाई, इधर आओ, क्या खाने में लगे हो? हमें भूल गया, तुम अकेले खा रहे हो। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है? गर्मी बहुत है, तो हमें तो सर्दी लग रही है यहाँ पर। तो भाई ये है मुर्गा हमारा एक, और ये है दूसरा मुर्गा। अंडा दिया कहाँ दिया अंडा? भाई देखो ये मुर्गे ने अंडा दिया है, ऐसे तो ले होता है। आप देख रहे हो मुर्गे ने अंडा दिया है, मुर्गी ने है, इस मुर्गी ने अंडा दिया है। और इसका नाम क्या है वैसे? इसका नाम शेरू है। इसका नाम शेरू है, उसका नाम शपाटर है। ये हमारा शपाटर है, ये शपाटर की बेगम है, आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बेगम है। देखो लाइन मार रहा है वो, समझ रहे हो आप? दूसरा वाला, ये देख रहे हो आप शपाटर को? बंद करते हैं दरवाजा, अपनी बेगम के पास कैसे लाइन मार रहा है। चलो अब दरवाजा बंद करते हैं। भाई ये है बटेर हमारा, बटेर ये वाइट बटेर है। इसके भी अंडे हैं, लेकिन वो खा गई मेरी पप्पो की बेटी, वो छोड़ती गए, सब खा जाती, सारे अंडे खा जाती, जब भी छोड़ती नहीं किसी के लिए। और ये है हमारे चूजे, असील चूजे। असल में इनको हो गई थोड़ी सी बीमारी। तो रजा भाई क्या देख रहे हो बाहर? बच्ची अच्छी नहीं है बाहर कोई, पहले बता दूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, माहौल है बेटा, तेरी बेगम थे वो मारेगी, माहौल अच्छा है। प्रैंक चल रहा है हमारा, पानी वानी मार रही हूँ मैं मुर्गी को, समझ में आ रहा था मैं पानी क्यों मार रही हूँ। ये के अंडे बेडो पर बैठी हुई है, ये देखें आप, दिख रही होगी आपको, काफी गुस्से में लग रही है। बटेर का अंडा अभी निकला यार, आप नसीब देखो अभी भी अंडा निकला है। ये डेली जो ना 3 अंडे 4 अंडे देती है। अच्छा जी, शाम के टाइम आती हूँ, 2 अंडे लेके जाती हूँ। ये मेरी असली मुर्गी का अंडा है जो ये डेली एक देती है। अच्छा, तो यानी कि आप दबा के अंडे खाते हैं? ना अंडे भी खाते हैं। और आप अंडा ये ब्राउन कलर का है, और देखे आप डॉटेड डॉटेड, ये बटेर के अंडे हैं, ये इनके अंडे हैं, और ये मुर्गी का है। आपने देख लिया मैं पप्पो का कैसा पोल्ट्री फार्म है, और ये खुद चलाती है पर्सनल,
और देखो ये आ गए हैं पुप्पो और ये उनकी एक लौती खुरचन। कैसा लगा आपको मेरा पोल्ट्री फार्म जो मैंने बनाया है छोटा सा? तो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा और इसका रिव्यू भी दिएगा कि इन्होंने कैसे मेंटेन किया। सब्सक्राइब करें और